दरोगा को मंच पर उठाकर पटका। हमला हुआ तो खुद की मौत की मुनादी करा दी। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राजनीति में इंट्री करने के पहले मुलायम कुश्ती लड़ते थे, एग्जाम छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। कवि सम्मेलन में अकड़ दिखा रहे दरोगा को मंच पर ही पटक दिया था। सियासत के भी बड़े अखाड़े बाज बने, विरोधियों को चीत किया। सियासी और निजी जिंदगी आसान नहीं थी, पर लड़ते रहे। मौत सामने आई तो उससे भी दो दो हाथ किए थे। ये थे मुलायम सिंह यादव, समाजवादियों ही नहीं पूरे देश के नेताजी। 26 जून 1960 मेनपुरी के करहल का जैन इंटर कॉलेज कैंपस में कवि सम्मेलन चल रहा था। यहाँ उस वक्त के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही भी मौजूद थे। वे मंच पर पहुंचे और अपनी लिखी कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू की। कविता सरकार के खिलाफ थी, इसलिए वहाँ तैनात यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर मंच पर गया और उन्हें कविता पढ़ने से रोकने लगा। वो नहीं माने तो उनका माइक छीन लिया। इंस्पेक्टर ने कवि को डांटते हुए कहा कि आप सरकार के खिलाफ कविता नहीं पढ़ सकते हैं। मंच पर बहस हो रही थी कि दर्शकों के बीच बैठा 21 साल का पहलवान दौड़ते हुए मंच पर पहुंचा। 10 सेकंड में उस नौजवान ने इंस्पेक्टर को उठाकर मंच पर पटक दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे। तारीख 4 मार्च 1984 दिन रविवार, नेताजी की इटावा और मेनपुरी में रैली थी। रैली के बाद वे मेनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। दोस्त से मुलाकात के बाद वे 1 किलोमीटर चले ही थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली मारने वाले छोटेलाल और नेत्रपाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए। करीब 8.5 घंटे तक छोटेलाल, नेत्रपाल और पुलिस वालों के बीच फायरिंग चलती रही। छोटेलाल नेताजी के साथ ही चलता था, इसलिए उसे पता था कि वह गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से में चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिरी। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की गई है। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वे जोर जोर से चिल्लाएं, नेताजी मर गए हैं, उन्हें गोली लग गई है, नेताजी नहीं रहे। जब नेताजी के सभी समर्थकों ने ये चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मारे गए हैं। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलाना बंद कर दी और वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटेलाल की उसी जगह पर मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक लेके गए। 1989 में लोकदल से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में 1990 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। कार सेवक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने सख्त फैसला लेते हुए प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस की गोलियों से 6 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके 2-3 बाद फिर 2 नवंबर 1990 को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए। मुलायम के आदेश पर पुलिस को एक बार फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमे करीब 1 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई थी। कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले से मुलायम को हिंदू विरोधी बना दिया। विरोधियों ने उन्हें मुल्ला मुलायम बना दिया। हालांकि बाद में मुलायम ने कहा था कि फैसला कठिन था, लेकिन मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ भी हुआ। कार सेवकों के बाद विवादित ढांचे में करीब पहुंचने के बाद मुलायम ने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का निर्देश दे दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 16 कार सेवकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल हुए। बाद में मुलायम ने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 28 लोग मारे गए थे। 1956 में राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समझौते के तहत एक साथ आने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि इसी बीच अंबेडकर का निधन हो गया और लोहिया की दलित पिछड़ा जोर के प्लानिंग सफल नहीं हो सके। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम ने लोहिया के इस प्लान को अमल में लाने की दिशा में काम शुरू कर दिया। मुलायम ने तब के बड़े दलित नेता कांसीराम के साथ गठबंधन का ऐलान किया। मुलायम की इस मास्टर स्ट्रोक का असर चुनावी रिजल्ट पर भी दिखा। 422 सीटों वाले विधानसभा में सपा बसपा गठबंधन को 176 सीटें मिली, जबकि भाजपा बहुमत से दूर हो गई। मुलायम के अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी कर ली। मुलायम के सत्ता में आने के बाद यूपी में एक स्लोगन मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जैसे राम खूब चर्चित हुआ। साल का 2009 भाजपा छोड़ एटा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले
कल्याण सिंह के समर्थन में मुलायम सिंह ने जनसभा कर ली। कल्याण बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त मुख्यमंत्री थे और अवमानना के मामले में सजा भी काट चुके थे। कल्याण सिंह के समर्थक देने के फैसले पर पार्टी के भीतर ही बगावत हो गई। सीनियर नेता आजम खान ने मुलायम पर सरेराह निशाना साधा। चुनाव में भी मुलायम को इसका नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि मुलायम के समर्थन से कल्याण सिंह चुनाव जीत गए। 82 साल के समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को सोमवार का निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। वे यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थे। सैफई में मंगलवार को मुलायम का अंतिम संस्कार दिया गया। मुलायम सिंह के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।